हेलो जी, मेरा नाम उस्मान है एंड फाइनली आफ्टर 4 ईयर्स आई एम गोइंग बैक होम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हेलो जी, मेरा नाम उस्मान है एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई मूव टू टर्की 4 ईयर्स अगो फॉर स्टडी और पिछले 4 सालों से मैं टर्की में मौजूद हूँ। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई डिडंट गो बैक होम। पिछले 4 सालों से मैं एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप लोगों से कहूँ कि आई एम गोइंग होम। आज मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ एंड दिस इज़ माई स्टोरी। बोर्डिंग वगैरह आपके भाई ने करवा लिया है, अभी बस मैंने आगे जाना है इमिग्रेशन के पास। तो यूजली हमारी तरफ तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन जब आप बाकी कंट्रीज़ में आते हो, लाइक यहाँ पे जैसे देखो सेल्फ सर्विस भी है, तो आप खुद भी करवा सकते हो अपनी बोर्डिंग वगैरह। अभी ये है कि जाके मैं इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन है, मैंने कहा आपको बता दूँ, अपडेट कर दूँ। तो आपके भाई को बोर्डिंग पास मिल गया, तो लेट्स आगे चलते हैं। तो वेटिंग एरिया में जाके मैं फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। प्लीज़। अच्छा जी, पासपोर्ट कंट्रोल से तो आपका भाई होके आ गया है। अभी बेसिकली मेरा जो गेट है वो स्क्रीन पर नहीं मेंशन हुआ, 8 बजे मेंशन हुआ, मैं जल्दी आ गया था। तो मैंने कहा बाद में बंदा लेट हो जाता है, तो मैंने अभी आधा घंटा 8 बजने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके नमाज़ पढ़ूँ। तो ये नीचे पीछे आपको गेट नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर नीचे मुझे जाना है, वहाँ पर जाके मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और दिन वापस आऊँगा। फिर वो पासपोर्ट से फिर मैंने वाईफाई भी कनेक्ट करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले जाके मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो प्लीज़। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ ली है और अब पहले तो ये मशीन बहुत भरी हुई थी। ऐसी मशीन हर जगह होती है एयरपोर्ट पर, जहाँ पे आप वाईफाई, यार एक तो आंटी बार बार बोलना शुरू कर देती है, जहाँ से आप फ्री वाईफाई जो है यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि अपने अगर इस्तंबुल में एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई यूज़ करना है, तो ये मशीन आपने कैसे यूज़ करनी है। बेसिकली इस मशीन में ये सीन होता है कि सबसे पहले तो हम इसमें पहले अपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू स्वाइप योर पासपोर्ट लाइक दिस। और ये जो कोड है अब ये मैं टाइप करूँगा, तो इसके बाद मेरा जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, वाईफाई तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि हमें जाके अपना स्क्रीन ढूँढनी है और उस पर जाके अपना गेट नंबर देखना है, क्योंकि उसने बोला था कि 8:05 पर आना, लेकिन मैं उधर ही मस्जिद में थोड़ी देर बैठ गया था, चार्जिंग वगैरह कर रहा था। तो अभी आगे जाते हैं हम और जाके अपना स्क्रीन ढूँढते हैं और देखते हैं कि हमारा गेट कौन सा है। स्क्रीन के पास मैं आ गया हूँ, स्क्रीन पे मेरे ख्याल से अब तो आ गई है। अभी हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, कहाँ है वो रहा, वो रही हमारी रियाद वाली और वो है 50 FB, हाँ 505 FB पे हमने जाना है। अच्छा जी, गेट नंबर 505 B पे हमने जाना है और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने इस साइड जाना है आगे 505 B। तो वहाँ पे चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ आधा घंटा रह गया, तो वहाँ पे जाता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। सिया। गेट नंबर मिल गया और यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, बस भी आ गई है, तो जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ेगा और सीधा मैं आपको एयरप्लेन पे मिलता हूँ, जहाज़ पे बैठ के मिलता हूँ। तो सी। अच्छा गाइस, फाइनली मैं लेट हो गया था लेकिन मैं आके बैठ गया हूँ अभी। तो अभी 15 मिनट में जहाज़ यहाँ से प्रवास करेगा, तो बस ये है कि अभी मैं घर वालों से बात कर लूँ, बता दूँ भाई को, क्योंकि पता है, मामा को नहीं पता, पापा को नहीं पता,
सरप्राइज है। तो इंशाल्लाह फिर आगे आपको मिलते हैं आफ्टर 4 आवर्स इन रियाद। सी आप प्लीज। Guys, we finally landed in King Khalid International Airport और अभी मैं बैगेज क्लेम करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हमारा बैग आना है 33 पे, तो स्क्रीन पे यही शो कर रहा, तो मैं बहुत थक गया हूँ गाइस। बहुत लंबी फ्लाइट थी और बस आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। तो ज़्यादा वो एक्साइटमेंट है और क्योंकि कोई भी नहीं आया, मैं खुद ही जाऊँगा आगे रिसीव यहाँ से टैक्सी लेके। तो बस अभी बैगेज क्लेम करते हैं और आगे जाते हैं। सिया रोल द क्लिप। मशीन तो चलनी स्टार्ट हो गई गाइज, लेकिन मज़े की बात मैंने अपने बैग पे कोई स्टिकर वगैरह तो लगाया नहीं, बस ये याद है कि वो इसी किस्म का है। लेट्स वेट कि वो आ जाए। जितनी देर में हमारा लगेज आता है, देर में एक ट्राली पकड़ लेते हैं। मैंने अपना बैग उधर छोड़ के आ गया हूँ। यार आ गया भाई, आ गया हमारा बैग, आ गया। अच्छा 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 अच्छा, यही है। यस यही है। लेट्स गो गाइस। ऑलमोस्ट 4 साल पहले जब मैं पाकिस्तान से टर्की आया था, तो हर दिन मैं यही सोचा करता था कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो मैं अपने घर वालों को सरप्राइज दूंगा। और जब मैं टैक्सी में अपने घर वापस जा रहा था, I got those flashbacks of 4 years that I spent in Turkey. Guys, मैं पहुँच चुका हूँ अपने इस टाइम घर के बाहर खड़ा हूँ। ये मेरा घर है रकमल वादा, पर अभी हमने अंदर जाना है, इसलिए मैं इसलिए आराम से बात करूँ। यहाँ पे और अपार्टमेंट्स भी है, तो मैं भाई को मैसेज करूँगा, वो अंदर से वापस आएंगे और सबको सरप्राइज देंगे। प्लीज गाइस, भाई आ रहे हैं, तुम उनका वेट कर रहा हूँ। आराम से सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अब जाग रहे, सॉरी। नियर से बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा तो वी गॉट इमोशनल, वी हग्ड ईच अदर। और इवेंचुअली आई रियलाइज कि जिंदगी एक ख्वाब नहीं है, वो एक सफ़र, और इसे पूरा करने में हमें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं।